नमस्कार, कृषि समाचारों के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। केंद्र सरकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन ग्राम योजना से करवाएगी राजधानी स्थित चिन्हट का विकास। प्रदेश की सभी किसान मंडियों में लगेंगे एटीएम। और पशु चिकित्सा सेवा योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में वाहनों द्वारा होगा पशुओं का इलाज। अब कृषि समाचार विस्तार से। जुग्गौर समेत चिन्हट की 10 ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के लिए केंद्र सरकार 110 करोड़ रुपए का बजट देगी। इससे गांव में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ट्यूबवेल, पानी की टंकी, पाइपलाइन, जुग्गौर ग्राम पंचायत में पीएचसी का अपग्रेडेशन, प्राथमिक स्कूलों की मरम्मत, स्मार्ट क्लास के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण, शौचालयों का निर्माण सहित तमाम सुविधाएं दी जाएंगी। विकास भवन के अधिकारियों ने जनवरी तक बजट मिलने की उम्मीद जताई है। बजट मिलते ही निर्माण कार्य शुरू करवा दिए जाएंगे। ये सभी काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन ग्राम योजना के तहत होंगे। नोटबंदी से किसानों और मजदूरों को अब सब्जी और फल मंडियों में नगद की किल्लत नहीं होगी। इसके लिए जनवरी तक लखनऊ सहित प्रदेश की 66 मंडियों में एटीएम लगवाए जाएंगे। इसमें लखनऊ और बाराबंकी की भी मंडियां शामिल है। इसके लिए मंडी परिषद की ओर से संबंधित बैंकों को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। मंडी परिषद के निदेशक राजशेखर जी ने बताया कि नोटबंदी के बाद मंडियों में व्यापार आधे तक सिमट गया है। इससे निपटने के लिए मंडियों में एटीएम, प्रीपेड वॉलेट, नगद रहित भुगतान सहित कई कदम उठाए जाने का फैसला लिया गया है। एटीएम लगवाने के लिए मंडी परिषद की ओर से बैंकों को जमीन दी जाएगी। इसके अलावा कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए मंडी में आने वाले किसानों, मजदूरों और पल्लेदारों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में 251 बड़ी मंडियां हैं, जबकि छोटी मंडियों की संख्या 372 है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के इलाज के लिए पशु चिकित्सा सेवा योजना के तहत वाहन रवाना किया गया। बाशानगर स्थित पॉली क्लिनिक से बख्शी के तालाब के विधायक ने वाहन को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर निदेशक पशुपालन ने बताया कि इस योजना का मकसद पशुओं को बेहतर इलाज मुहैया करवाना है। टीम में शामिल डॉक्टर पशुओं की बीमारियों का इलाज करने के साथ ही टीके भी लगाएंगे। आइए नजर डालते हैं प्रदेश की कुछ मंडियों के ताजा मंडी भावों पर। सबसे पहले बात करते हैं चावल के औसत भावों की। लखनऊ की मंडी में 2180 रुपए, सुल्तानपुर की मंडी में 2200 रुपए, उन्नाव की मंडी में 2125 रुपए, हरदोई की मंडी में 2270 रुपए और फैजाबाद की मंडी में 2175 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बात अगर गेहूं के औसत भावों की करें तो लखनऊ में 1890 रुपए, सुल्तानपुर में 1830 रुपए, उन्नाव में 1750 रुपए, हरदोई में 1800 रुपए और फैजाबाद में 1820 रुपए प्रति क्विंटल रहा। आलू लखनऊ में 550 रुपए, सुल्तानपुर में 640 रुपए, उन्नाव में 600 रुपए, हरदोई में भी 600 रुपए और फैजाबाद में 500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। एक नजर टमाटर की औसत कीमतों पर। लखनऊ में 800 रुपए, सुल्तानपुर में 1100 रुपए, उन्नाव में 725 रुपए, हरदोई में 700 रुपए और फैजाबाद में 850 रुपए प्रति क्विंटल रहा। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में कुछ नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार। तो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए। ए।
बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। एसी एबीसी? जी हाँ, एसी एबीसी यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है, और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज सजीव प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आज के सजीव प्रसारण में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कृषि के समग्र विकास में उपकार का क्या योगदान है। तो किसान भाइयों, अगर कृषि संबंधित कोई भी समस्या आपके पास है, आप कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं कि कैसे हम वैज्ञानिक सलाह प्राप्त कर सकते हैं, या जो भी समस्या आपको कृषि कार्यों में आ रही है कि कहाँ हम जाएं, किससे बात करें, कैसे हमारी समस्या का समाधान हो सकता है, तो आज के अंक में, आज के सजीव प्रसारण में आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। और बात करने के लिए आपको हमें फोन करना होगा, इसके लिए आप जल्दी से हमारे फोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे फोन नंबर्स हैं 0522205756, 0522228869, और हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180523। नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए आप, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800180523। इस पर आप फोन करके सीधे हमसे बात कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का हल प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ किसान भाइयों, जो आज का विषय है कि जो है कृषि के समग्र विकास में उपकार का क्या योगदान है, इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ से महानिदेशक प्रोफेसर राजेंद्र कुमार जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज सजीव प्रसारण में। और हम सबसे पहले अपने सभी किसान भाई की तरफ से बात करना चाहेंगे कि जो कृषि के समग्र विकास की बात हो रही है, अगर समग्र विकास में मतलब हर क्षेत्र में, चाहे वो जल प्रबंधन हो, सिंचाई प्रबंधन हो, किसी भी तरीके का कोई कार्य हो, अगर किसान भाई फसल अपने खेतों में लगा रहे हैं, तो जो समग्र विकास है उसके लिए उपकार का क्या योगदान है किसान भाइयों के लिए? नमस्कार किसान भाइयों, सुनील जी द्वारा उठाया गया प्रश्न बहुत ही व्यापक लेकिन सामयिक है। जब हम समग्र कृषि की बात करते हैं तो ग्रामीण परिक्षेत्र में हमारे किसान भाई जो भी गतिविधियाँ करते हैं, चाहे वो पशुपालन की हो, चाहे मधुमक्खी पालन की हो, या मछली पालन की बात हो, खेती फसल उगाने की बात हो, या बागवानी की हो, ये सारे के सारे ग्रामीण परिवेश में जो भी क्रियाविधियाँ किसान अपने जीविकोपार्जन के लिए या लाभ लेने के लिए
करता है वो सब सभी के सभी गतिविधियां वो समग्र कृषि के श्रेणी में आती हैं। तो जहां तक उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद का महत्व है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद प्रदेश की सर्वोच्च एक थिंक टैंक है जो कि कृषि के लिए हर क्षेत्र में अपनी राय बनाता है और बनाते हुए सरकार के जो विभिन्न अंग जो कि क्रियान्वयन विभाग हैं उनको अपनी राय देता रहता है। जैसे पशुपालन के क्षेत्र में भी हमने ब्रेन स्टार्म कराया, हार्टिकल्चर के क्षेत्र में भी हमने कई गोष्ठियां कराई, और इतना ही नहीं हम हर फोर्टनाइटली करने का मतलब कि 15 दिन में एक बार कम से कम वेदर वॉच ग्रुप की भी बैठक करते हैं जिसमें कि हम किसानों को मौसम बदलते हुए सामयिक मौसम के अनुसार भी किस फसल में या किस पशु के लिए मधुमक्खी पालन के लिए सेरीकल्चर के लिए हर तरह की राय उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद देता है। यानी प्रोफेसर आप कह सकते हैं कि जो कृषि के समग्र क्षेत्र में जैसे कि किसान भाई पारंपरिक कृषि करते हैं साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उसके साथ साथ मछली पालन भी करते हैं जो आज की जरूरत भी है कि कृषि के साथ साथ ये सब भी किया जाए। तो एक सवाल मेरे मन में प्रोफेसर उठ रहा है कि जो कृषि शिक्षा है या जो अनुसंधान है इस क्षेत्र में ताकि किसान भाई उस ओर ज्यादा आकर्षित हो, ज्यादा से ज्यादा उनके पास जानकारी हो, तो कृषि शिक्षा का क्या महत्व है आपके हिसाब से? देखिए, कृषि शिक्षा एवं शोध का किसान के विकास में वही महत्व है जैसे हमारे आज के व्यक्तित्व के विकास में जो योगदान कृषि शिक्षा नहीं बल्कि शिक्षा का रहा है। जिस तरह से हमारे व्यक्तित्व का विकास बिना शिक्षा के नहीं हो सकता, वैसे ही कृषि का विकास भी बिना कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान के संभव नहीं है। और कृषि शिक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद प्रदेश में स्थित 5 कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से संलग्न है। जो हमारे 5 अंचलों में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, इनके अलावा हमारे पास करीब करीब प्रदेश के हर क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय भी हैं। पशुपालन पशु चिकित्सा महाविद्यालय भी हैं, और इतना ही नहीं, हम तो आज की स्थिति में पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय भी रखते हैं। तो इन सभी शिक्षा संस्थानों के माध्यम से उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद शिक्षा शिक्षण का भी कार्य करता कराता है, साथ ही शोध के भी विभिन्न कार्य चलाता है। अब तक विभिन्न कार्यक्रमों के तहत जैसे डॉक्टर साहब, एक हमारे पास कौशाम्बी से फोन है, ब्रजेश कुमार यादव जी, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो, हाँ जी सर, मैं कौशाम्बी से बोल रहा हूँ सर। जी, अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ब्रजेश कुमार यादव है। जी ब्रजेश कुमार जी, आपका क्या प्रश्न है? सर मेरा प्रश्न ये है कि समग्र गाँव में कृषि अनुसंधान के लिए जो अनुदान मिलता है सर, मतलब उपकार के लिए, तो सर इसमें क्या मतलब उसके बारे में क्या तरीका कैसे प्राप्त कर सकते हैं अनुदान के बारे में जानना, जो अनुसंधान परिषद की ओर से योगदान है उपकार की तरफ से उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश किसी अनुसंधान परिषद किसी भी तरह का योगदान नहीं देता है। ये भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योगदान संबंधी योजनाएं हैं ये हमारे विभाग जैसे कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, इन विभागों के माध्यम से दिया जाता है। तो हमारी संस्था सिर्फ जो है सलाहकार संस्था है, ये सलाह देती है और क्रियान्वयन इनका विभागों के माध्यम से किया जाता है। तो कृषि विभाग में तरह तरह की कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभी बीज वितरण का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, खाद का भी चलाया जा रहा है, बीमा योजना है, ये सारे के सारे जो अनुदान संबंधी कार्यक्रम हैं ये हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट के विभाग हैं जैसे कृषि विभाग है या पशुपालन विभाग है या मत्स्य विभाग है, उद्यान विभाग है, इन विभागों के माध्यम से अनुदान के कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। प्रोफेसर साहब, जैसे कि ये सवाल अभी आया कि क्या किसी तरह का कोई अनुदान है, या ऐसे कई सारे सवाल हैं किसान भाइयों के मन में, तो अगर उनको किसी तरह का कोई अपने प्रश्न का हल चाहिए हो तो कहाँ वो संपर्क कर सकते हैं, कैसे वो अपने कृषि सलाह ले सकते हैं? देखिए, किसान भाई जिस क्षेत्र में रहते हैं उन क्षेत्रों में भी जिले लेवल पे भी डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी हैं और डिप्टी डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर्स भी हैं, इसके साथ साथ
डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर्स भी है, हर विभाग के अधिकारी भी वहाँ हैं, साथ ही आपके आसपास कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं, आप वहाँ पे भी राय ले सकते हैं। अगर वहाँ से भी राय नहीं मिल पाती है तो आप कृषि अनुसंधान परिषद में हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उचित जगह जो है मतलब आपको सलाह दे देंगे। और इतना ही नहीं, जो संबंधित वैज्ञानिक या संबंधित अधिकारी हैं हम उनको भी सामंजस्य बना करके आपके समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे। कृषि शिक्षा की हम बात कर रहे थे प्रोफेसर साहब, तो उसमें कृषि शिक्षा में अगर हम बात करें तो उपकार की तरफ से क्या कार्य किए गए हैं उन तक शिक्षा पहुँचाने के लिए? देखिए, पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद ने अब तक 30 से ज़्यादा बहुआयामी कार्यक्रम कराए हैं। और इतना ही नहीं, कुछ कार्यक्रम तो ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार कराए गए हैं। जैसे भारतवर्ष में पहली बार किसी प्रदेश द्वारा कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है शुरू किया गया है और हर साल कराया जा रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज भी राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार स्थापित की गई है। तो इन सारी कार्यक्रमों के तहत हम विभिन्न कार्यक्रम कराते हैं, विचार मंथन करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हमें किस तरह का शोध करना चाहिए, किस तरह का प्रसार, किस तरीके से प्रसार करना चाहिए और शिक्षण प्रणाली में हमें किस तरह का बदलाव लाना चाहिए जो कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जैसे हो रहा है, हमारी जनसंख्या के साथ बढ़ रही है। एक फोन हमारे पास है, उनसे हम बात करते हैं कि उनका क्या प्रश्न है। हेलो, हेलो, जब तक फोन लगता है तब तक हम बात आगे बढ़ा सकते हैं। दो, ये कृषि शिक्षा के बारे में बता रहे थे, तो जो आज का युवा है वो किस तरीके से जो है आकर्षित हो सकता है शिक्षा क्षेत्र में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है कृषि की शिक्षा प्राप्त करे और गांव में ज़्यादा से ज़्यादा काम करे? देखिए, जब हम कृषि, जहाँ तक जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, तो कृषि शिक्षा में आज भी जो दूसरे विषय हैं हमारे शिक्षा के, उनसे कहीं ज़्यादा जॉब एवेन्यूज हैं। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ साथ जो वोकेशनलाइजेशन कृषि शिक्षा में, कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी के लिए कृषि शिक्षा ली जाए, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नौकरी के उद्देश्य से नहीं, कृषि में स्वयं अपने आप को समाहित करने के उद्देश्य से कृषि शिक्षा लेना चाहिए, ताकि कृषि शिक्षा लेकर के हम उन्नत कृषि जो है अपना सके। बिल्कुल, ये कृषि को एक बेहतर दिशा दे सके और बेहतर दिशा देकर हम अपने खेतों में एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सके। जितनी ज्यादा जानकारी हमारे पास रहेगी उतनी ही बेहतर हम जो है कृषि कार्य कर सकेंगे। जो कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार है उसके बारे में जानना चाहूंगा कि इसके बारे में क्या क्रिया चल रही, क्या क्रियान्वयन है? देखिए, प्रदेश सरकार कृषि वैज्ञानिक का पुरस्कार जो है वो 2003 तक दी थी, इसके बाद किन्हीं कारणों से उसमें अवरोध पैदा हो गया था, लेकिन हमने कार्यभार ग्रहण करने के बाद काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद हम उसमें सफल भी हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिकों के नेतृत्व में हमने राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धा कराते हुए मूल्यांकन किया है, जिसमें कि 9 कृषि वैज्ञानिकों को कल कृषि विभाग के सभागार में माननीय कृषि मंत्री जी के हाथों से पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जो केंद्र सरकार की तरफ से किस तरह का क्या योगदान है पुरस्कार के लिए? और देखिए, केंद्र सरकार कृषि के क्षेत्र में कृषि वैज्ञानिकों के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से विभिन्न पुरस्कार वितरण करती रहती है, उनका भी जी। प्रोफेसर साहब, मत्स्य पालन पर अनुदान के लिए एक प्रश्न है हमारे पास, फोन कॉल है, हम इनसे बात करते हैं। हेलो, 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 लगता है कुछ आज कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हेलो, 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 हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो, लगता है कि फोन कट गया है, शायद मत्स्य पालन में अनुदान के लिए कुछ ऐसा था, उनकी आवाज साफ नहीं आई थी, उसके बारे में अनुदान की अगर कोई प्रक्रिया हो तो, क्योंकि कुछ हल्का सी आवाज आई थी उसका फोन कट गया। तो मत्स्य पालन के लिए भी अनुदान की व्यवस्थाएं हैं और मत्स्य विभाग इस कार्यक्रम को कराता है।
और जो सीड्स जो हम मत्स्य के जो सीडलिंग्स जो होते हैं मत्स्य, हम उनको भी फिश सीड बोलते हैं, तो उनके लिए भी जो है राज्य सरकार की तरफ से प्रोत्साहन है और अनुदान के लिए उसका पूरी व्यवस्था या क्या नियम है पूरा डिटेल के लिए मत्स्य विभाग से संपर्क किया जा सकता है। हम वैज्ञानिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बारे में आप जरा विस्तार से बताएं कि क्या। देखिए भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पे कुछ पुरस्कार हैं जिसके लिए वहाँ भी हर वर्ष विस्तृत पैमाने पे पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, उनकी भी अपनी प्रक्रिया है और उन प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। हमने भी प्रदेश में जो पुरस्कारों का कार्यक्रम परिषद ने कराया शुरू किया है, ये भी भारत सरकार की ही जो प्रक्रिया है पारदर्शी प्रक्रिया उसी को अपनाते हुए यहाँ भी किए गए हैं। तो ये आम किसान भाइयों के अगर हम प्रोफेसर साहब बात करें कि किसानों को कैसे जो है कृषि कार्य बहुत ही सरल बनाया जाए और सरल तरीके से कर, आपकी तरफ से क्या जो है उपाय है, उनकी तरफ से क्या बताना चाहेंगे? देखिए किसान भाइयों को तो मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उन्हें कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि वैज्ञानिकों के साथ संपर्क में रहना चाहिए और सोने में सुहागा तब हो जाएगा जब किसान भाई अगर किसी की शिक्षा भी लिए होंगे तो उनको उनकी भाषा समझने में भी थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो ऐसी परिस्थितियों में जो आज का बदलता हुआ परिवेश है, किसी के मायने काफ़ी हद तक बदल गए हैं, जबकि किसी को हम लोग विज्ञान के रूप में देख ही नहीं पाते हैं। किसान भाई हमारे ये सोचते हैं कि नहीं किसी विज्ञान में कहीं कुछ है नहीं, जबकि बदलती हुई परिस्थितियों में मैकेनाइजेशन है, जो आपका क्लाइमेट चेंज है, जिस तरह से वैराइटल डेवलपमेंट हो रहे हैं, इन सारे मुद्दों को नजर दिया जाए तो आज की खेती जो है वो वैज्ञानिक खेती हो गई, न कि पुरातनकालीन घिसे पीटे तरीके से। बिल्कुल प्रोफेसर साहब बिल्कुल सही बात है कि अगर जो हम परंपरागत ढंग से कृषि करते आए हैं और उसके साथ साथ हम अगर वैज्ञानिक सलाह को भी उसके साथ मिला देते हैं तो एक बेहतर ढंग से हम खेतों में कृषि कर सकते हैं और एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों बिल्कुल आप अपने खेतों का लगातार ख्याल रखें, निरंतर उनका निरीक्षण करते रहें, जो कमी उसको पूरी करते रहें, तो एक बेहतर फसल प्राप्त करेंगे, बाजार में एक बेहतर मूल्य प्राप्त करेंगे। ऐसे ही विभिन्न जानकारियां लेकर समय समय पर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।